हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज के क्लास का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन गॉस लॉ। गॉस लॉ हमने पढ़ लिया है, उसके एप्लीकेशंस भी देख लिए हैं। आज के क्लास में हम करेंगे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में हमने किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ड्यू टू अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ड्यू टू पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर आपने नहीं देखा है एप्लीकेशंस तो पहले आप एप्लीकेशंस को डिटेल में डेरिवेशन देख लीजिए, तभी उसके जो फॉर्मूला है डिराइव किया है उसका एप्लीकेशन समझ आएगा। तो पहला क्वेश्चन है लाइन चार्ज पे बेस्ड है। क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इज 9×10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर। मतलब क्या है? एक लाइन चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और कुछ डिस्टेंस मतलब 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो वायर पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। ये सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बस फॉर्मूला याद अगर है तो उस पर सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां पर मान लेते हैं कि एक वायर है, इनफाइनाइटली थिन लॉन्ग वायर है और इस वायर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जिसका वैल्यू दिया है, r का वैल्यू भी दिया है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर कैलकुलेट करना है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, गॉस थ्योरम से हमने कैलकुलेट किया है। वो क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर इज E इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2π ε0 r, जहां पर r है डिस्टेंस और लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, E है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्ड इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा? ये 1/4π ε0 × 2λ/r। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 1/4π ε0 का स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है और वो होता है 9×10⁹। तो यहां पर E का वैल्यू हम रखेंगे, E कितना दिया है क्वेश्चन में? 9×10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब। तो E का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे, ये 1.4π ε0 SI यूनिट में होता है 9×10⁹ और ये आ गया 2λ और r है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 4×10⁻¹² मीटर। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सारे वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा और 10⁴ है तो यहाँ पे 10⁵ बचेगा और यहाँ पे 10⁻⁴ हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए छोड़ दिया है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.200×10⁻⁶ कूलम्ब पर मीटर। कूलम्ब पर मीटर क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का SI यूनिट। तो ये 10⁻⁶ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 μC/m एंड दिस इज द आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है चार्ज ऑन प्लेन शीट पर, प्लेन सरफेस पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेकंड क्वेश्चन है अ चार्ज ऑफ दिस मच 17.7×10⁴ कूलम्ब is distributed uniformly over a large sheet of area 200 m². Calculate the electric field intensity at a distance 20 cm from it in air. Given epsilon naught का जो value है वो दिया है, that is 8.85×10⁻¹² newton per meter square. Question में क्या दिया है? Total charge on the uniform charge distribution है, लार्ज शीट प्लेन शीट पर टोटल चार्ज दिया है, दैट इज क्यू। एरिया कितना है शीट का? 200 m² है और किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? 20 cm पर। क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लेन शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है बस उस पर सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट हमने देखा था, नियर बाई दी प्लेन शीट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। तो यहां पर जो ये डिस्टेंस दिया है मतलब ये नियर बाई है,
तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं आता है एक्सप्रेशन में, वो सिर्फ चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू पे डिपेंड करता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन डेटा क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट है 200 मीटर स्क्वायर, चार्ज ऑन द प्लेट इज 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम, आर 20 सेंटीमीटर है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। अगर एग्जाम में ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं दिया हो तो ये अज्यूम करते हैं कि आपको ये याद होना चाहिए, और ये याद रखना भी चाहिए क्योंकि इसका वैल्यू, एसआई यूनिट, डायमेंशन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मतलब एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो ये वैल्यू हमेशा याद होना चाहिए। खैर, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन दी शीट इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो टोटल चार्ज क्यू है इतना, एरिया है टोटल इतना, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और एरिया का वैल्यू, दोनों ऐसा यूनिट में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं किसी को भी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ड्यू टू प्लेन शीट, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शीट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे आर कहीं पे भी नहीं आ रहा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बस सिग्मा का वैल्यू यहां कैलकुलेट किया है और एप्सिलॉन नॉट गिवन है, सबका वैल्यू यहां पे रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 8.85 कैंसिल हो जाएगा और सब सॉल्व करेंगे तो ई आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और यही आंसर है ना। बहुत इजी, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है और उसमें जो भी गिवन वैल्यूज है उसको रख के कैलकुलेट कर देना है। एग्जाम में मोस्टली इसी तरह के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का मतलब आपको सिग्मा यहां दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कभी कभी ऐसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा तो सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस, तो फॉर्मूला को ही इधर उधर करके जो आपके बोर्ड एग्जाम की बात है, बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल प्लेन शीट पे बेस्ड। तो आज का थर्ड क्वेश्चन है, द फिगर शोज टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन प्लेट्स ए एंड बी, ये ए और बी दो पैरेलल प्लेट्स है, द चार्ज डेंसिटीज ऑफ द प्लेट्स ए एंड बी आर सिग्मा 1 इतना है एंड सिग्मा 2 इतना है, कितना 2.5 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, 0.5 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा 1 मतलब प्लेट ए पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है, प्लेट बी पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2 है, और दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स एंड द स्पेस बिटवीन आउटसाइड द प्लेट्स, मतलब ये दोनों प्लेट के बीच कोई पॉइंट है पी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और प्लेट के बाहर। तो पैरेलल प्लेट शीट में हमने देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके लिए अगर E1 है तो ये दोनों साइड इस तरह से होगा E1, इधर भी होगा E1, प्लेट बी के लिए अगर E2 है तो इसका डायरेक्शन इधर E2, ये पॉजिटिव अगर है तो चार्ज पे डिपेंड करता है डायरेक्शन, पॉजिटिव मान लेते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव दिया है, तो ये E2 हो गया, तो यहां पर हो जाएगा E2 और इधर भी हो जाएगा E2, तो बिटवीन द प्लेट्स क्या है E1 और E2 ऑपोजिट है, तो बिटवीन द प्लेट्स E1 माइनस E2 होता है और E बराबर हमने निकाला था, डेरिवेशन आप देख लीजिएगा, टोटल सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 और आउटसाइड जो होता है 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो चार्ज डेंसिटीज गिवन है तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 का वैल्यूज रखेंगे और बस कैलकुलेट कर देंगे, तो बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, तो सबसे पहले क्या पूछा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, मतलब ये दोनों प्लेट के इनसाइड पॉइंट और दूसरा है आउटसाइड, तो पहले बिटवीन द प्लेट्स निकालेंगे और फिर आउटसाइड द प्लेट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो पहला है आंसर, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इज ई आई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, इस रिलेशन को हमने डिराइव किया है फुली,
पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो यहाँ सिग्मा वन और सिग्मा टू की वैल्यूज को रखेंगे। सिग्मा वन कितना दिया था, 2.5 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो माइक्रो कूलम है तो यहाँ पे हमने 10^-6 लिख लिया इसको कूलम पर मीटर स्क्वायर में। इसी तरह से सिग्मा टू है 0.5 माइक्रो कूलम, तो उसको हमने लिख लिया इंटू 10^-6 और कूलम पर मीटर स्क्वायर। टू एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 8.85 इंटू 10^-12। तो क्वेश्चन में यहां पर नहीं दिया है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी 1.13 इंटू 10^-5 न्यूटन पर कूलम। जो एग्जाम में न्यूमेरिकल डेटा होगा वो जनरली बहुत इजी होता है, ताकि टाइम टेकिंग ना हो कैलकुलेशन में। तो यहां पर आपको अभी प्रैक्टिस करनी है, तो जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल रहा है उसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करें, खुद से कैलकुलेट करके देखें। ओके, अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द प्लेट। तो क्या होता है, आउटसाइड द प्लेट होता है ईओ विल बी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1+ सिग्मा 2। तो यहां पर बस सेम है, दोनों को ऐड कर देना है, पिछले वाले में माइनस किया था, दोनों को ऐड करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7 न्यूटन पर कूलम्ब। तो दिस इज द आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भी पैरेलल प्लेट पे ही बेस्ड है और फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे और उस पर निकालना है चार्ज डेंसिटी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज टू ऑपोजिटली चार्ज्ड थिन प्लेट्स ऑफ मेटल आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, दो प्लेट्स है ऑपोजिटली चार्ज्ड है और दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर है। द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन देम, मतलब बिटवीन देम मतलब दोनों के बीच इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 55 न्यूटन पर कूलम्ब है। इफ द एरिया ऑफ द प्लेट इज 1 मीटर स्क्वायर देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एरिया ऑफ द प्लेट दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट दिया है, चार्ज कितना होता है। तो चार्ज अगर निकालना है तो चार्ज डेंसिटी से निकाल सकते हैं। चार्ज डेंसिटी बराबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज बाय एरिया। तो एरिया दिया है, वहां से हम टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। बहुत इजी है ये भी। क्वेश्चन में ये दिया है कि दो प्लेट्स है पैरेलल प्लेट्स है, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, मतलब पैरेलल प्लेट्स है अगर डिस्टेंस है दोनों के बीच। दोनों में ऑपोजिटली चार्ज, ऑपोजिटली चार्ज है मतलब चार्ज डेंसिटी दोनों का ऑपोजिट हो जाएगा, एक सिग्मा है तो दूसरा माइनस हो जाएगा, माइनस सिग्मा, और दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट के बीच अभी हमने देखा है क्या लिखते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1-सिग्मा 2। तो यहां पर सिग्मा 1 है सिग्मा, माइनस सिग्मा 2 भी है माइनस सिग्मा है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1+ सिग्मा। ठीक है, तो इसी को हमने लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज थिन प्लेट्स इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1+ सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने डेरिवेशन जब कर रहे थे एप्लीकेशन में भी डिटेल में किया है इसको। तो दो प्लेट जब ऑपोजिटली चार्ज होगा तो दोनों के बीच एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ये हमने डिस्कस किया था। और आउटसाइड दी प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 55 है, 55 न्यूटन पर कूलम्ब। तो यहां से सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है तो सिग्मा विल बी ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए तो ये हो गया 55 न्यूटन पर कूलम्ब। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे तो ये मिल जाएगा कैलकुलेट करके इतना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करिएगा इतना आता है या नहीं। तो ये हो गया, अब ये मिल गया क्या, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ प्लेट पर है सरफेस पर है तो ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं एज टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया ऑफ द प्लेट। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए। अच्छा, सिग्मा तो यहां से मिल गया, ए कितना दिया हुआ, एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में ए का वैल्यू, तो इसको रखेंगे तो ये सेम आ जाएगा। तो टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू 486 है, इसको हम अगर अप्रोक्स करके लिखें, ये डेसिमल पॉइंट यहां आ जाएगा तो ये 10^-10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.86 है, उसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4.9 × 10^-10 कूलम। तो यहां तक भी आंसर करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, तो जिसमें हमने पैरेलल प्लेन शीट्स, लाइन चार्ज, प्लेन शीट देखा है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे बेस्ड ऑन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर पे। तो आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज, थैंक यू।